हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्फा एडेनियम गार्डन में। आप देख रहे हैं दोस्तों बेबी एडेनियम, जिसे मैंने लास्ट ईयर सीड से उगाया था। और दोस्तों ये वो हैं जो रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं, और ऐसे अभी मेरे पास बहुत से हैं जो अभी उनका साइज 1 इंच है और डोरमेंसी में जाने के कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाए थे, और उनको हार्डली हम जब मार्च में रिपोर्टिंग करेंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए इसे रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों बेबी एडेनियम के लिए रिपोर्टिंग जब आप तैयार करते हैं तो आप इस पर गौर कीजिए कि आपको इसे फ्लावरिंग नहीं लेना है। जैसे रिपोर्टिंग में आप पैसे खर्च ना करें, इसमें मेरा ये कहने का मतलब रिपोर्टिंग में आप दोस्तों केवल आप रिपोर्टिंग करें, जिसे बहुत आसानी से मिल जाता है, सेंड और राइस हक्स मिला लें और कंपोस्ट मिला लें दोस्तों, और इनका रेशियो है 50% आप रेत इस्तेमाल करें, रिवर्स सेंड, और 30% इसमें राइस हक्स मिला, 10% दोस्तों इसमें आप मिला सकते हैं कंपोस्ट। दोस्तों इसमें कंपोस्ट आप 10-20% कंपोस्ट मिला सकते हैं, और 10% और 10% दोस्तों मिला सकते हैं लकड़ी के कोयला, इसे आप देख सकते हैं इसमें ये उपलब्ध है। मैंने रिपोर्टिंग इसमें किया था, 3 मिनट लगा हुआ था, ये पानी को होल्ड करके भी रखता है दोस्तों, और राइस हक्स भी होल्ड करके रखता है, तो ये आपको बेबी एडेनियम ग्रोथ करने में काफ़ी सहायता मिलता है, इसको काफ़ी स्पीडली होता है दोस्तों। तो आइए इन्हें बाहर निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार मैंने इसे उल्टा, सारा का सारा बाहर निकल गया, और इसे काउंट करते हैं दोस्तों कि कितने सारे हैं। ये रहा दोस्तों 38 बेबी एडेनियम जिनमें रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये रहे 3, उन्हें भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, और इनके लिए मैं पोर्ट यूज करूँगा दोस्तों 5 इंच का पोर्ट। मैं इनको ज़्यादा बड़ा पोर्ट में इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे बेबी एडेनियम को दोस्तों रिपोर्टिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं 5 इंच के गमले में। और दोस्तों कुछ एडेनियम को मैंने एक साथ 5-5, 6-6 कर दिया, क्योंकि ये बहुत छोटे थे। अप्रैल में आप इनका ग्रोथ देखिएगा दोस्तों, अप्रैल तक सारे के सारे, किसी में तो मैंने 2-2 लगा दिया है क्योंकि बहुत छोटे होने के कारण इनके, लेकिन इसका ग्रोथ देखिएगा दोस्तों। सबको पता है कि रिपोर्टिंग के बाद जस्ट आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, कुछ दिन इसे 5-6 दिन आप इनडायरेक्ट जहां लाइट आता हो सन का, आप वहां पे इसे रखें। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि मेरे आने वाले वीडियो तो आप देख सके और इंजॉय कर सके। ओके दोस्तों, बाय बाय।